तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम Redmi के डिवाइस में वापस से स्टॉक रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास Redmi Note 8 Pro है जिसमें कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसकी स्टॉक रोम जो कि है MIUI 12 पे ये रन कर रहा था, तो वो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। सारा प्रोसेस मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग ये पूरा कर सकते हो, एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना वरना हो सकता है आपका जो इंस्टॉल ना हो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं इसमें पिक्सल एक्सपीरियंस वाली रोम यूज कर रहा था इतने टाइम तक, लेकिन अब मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा वापस से ही जो हमारी MIUI रोम है वो। तो वो कैसे करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो क्या करना है, आपको इसके लिए रोम डाउनलोड करनी है जो कि आप गूगल पे सर्च करके आराम से डाउनलोड कर सकते हो। कोई सा भी फोन हो, आप ये वाली वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका नाम है MIUIROM.org। इस पे आपको सारी रोम्स देखने को मिल जाएगी जिसके लिए भी आपको डाउनलोड करनी है, वो डिवाइस आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सारी रोम्स देखने को मिल जाएगी, जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से इजीली। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद, जैसे मैंने ये डाउनलोड कर रखी है, आप लोग देख सकते हो ये वाली रोम मैंने डाउनलोड कर रखी है जो कि मेरे Redmi Note 8 Pro के लिए सूटेबल है। तो इसको क्या करना है, फिर एक्सट्रैक्ट कर देना है आपको। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है, आप WinRAR या किसी भी zip फाइल की हेल्प से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा फोल्डर देखने को मिलेगा। तो अब ये हमारा रोम का काम तो हुआ कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है जो कि है मी फ्लैश टूल आपको डाउनलोड करना है। ये आप लोग देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर रखा है। एंड इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको भी पिक्सल एक्सपीरियंस वाली रोम इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है जिसके लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। वहां से जाके आप पिक्सल एक्सपीरियंस वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मी फ्लैश, जैसे आपने ये टूल डाउनलोड किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मी फ्लैश का टूल है, ये आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा, ये जो भी आपकी फाइल्स वगैरह होंगी, जो भी ड्राइवर्स होंगे वो इंस्टॉल होंगे, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसमें अगर आपको मी फ्लैश में कोई एरर आता है तो उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप उस एरर को भी ठीक कर सकते हो। तो ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपली हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। पहले आपको रिफ्रेश कर लेना है, डिवाइस आपको कनेक्ट नहीं करना है पहले, उसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट में आपको वो वाला पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने रोम डाउनलोड की है, जो भी आपकी स्टॉक रोम है वो आपने डाउनलोड की है। तो मैंने पीसी में की है, डी ड्राइव में मेरी ये वाली आप रोम देख सकते हो। ये आपको सेलेक्ट करना है, बस इतना ही आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देना है। अब आपने ओके किया, रिफ्रेश करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको कोई भी एक जो केबल ले लेनी है, जो भी आपकी डेटा ट्रांसफर केबल है वो आपको अपने पीसी में कनेक्ट कर दिए। पीसी में कनेक्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है, पहले आपके फोन में कनेक्ट नहीं कर दिए, आपको पहले फोन अनलॉक कर लेना है अपना। देन उसके बाद आपको जो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को साथ में प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करके रखोगे स्क्रीनशॉट आएगा, फिर भी आपको प्रेस करके रखना है इसको, आपका फोन बंद हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, आपको अंगुलियां नहीं हटानी। उसके बाद जैसे ही फास्ट बूट लिखा हुआ आता है, अब आपको इनको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको अपना फोन जो है वो कनेक्ट करना है। ये हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके फोन को रख देना साइड में। फोन को साइड में रखने के बाद आपको वापस से यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने डिवाइस बना हुआ आ जाएगा एक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो 1 लिखा है वहां पे 0 भी लिखा हुआ आ सकता है, 2 भी लिखा हुआ आ सकता है। ये हमारा जो बताता है कि हमारे जो पोर्ट, कौन से पोर्ट में फोन इंसर्ट है, ये वाली चीज बताता है ये। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये आ जाता है, आपने फाइल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपका फोन भी यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्लीन ऑल एंड लॉक एंड क्लीन ऑल। इनमें क्या होता है, क्लीन ऑल एंड लॉक में होता है जो हमारा बूट लोडर है वो वापस से लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली क्लीन ऑल करके, एंड क्लीन ऑल में सिर्फ जो हमारा रोम इंस्टॉल होती है, बाकी बूट लोडर लॉक नहीं होता है। तो अब क्या करना है, अब जैसे मैं फ्लैश करता हूँ, सिंपली आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है एक बार, उसके बाद यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्लैश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे फोन में हमें कुछ भी नहीं करना है, फोन आप देख सकते हो साइड में रखा हुआ है, हमारा सारे के सारी चीजें जो है वो लैपटॉप में होगी। तो लैपटॉप में ये प्रोसेस जो है वो टाइम लेगी थोड़ा सा, तो आपको वेट करना है जब तक ये फ्लैश ना हो जाए। एंड जब तक दोस्तों ये फ्लैश हो रही है, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना,
एंड आपको कोई भी एरर आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो MIUI 12 वापस हमने इसमें डाल लिया। अब आपको जो इसको सिस्टम से रिमूव कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको देख सकते हो, आप सेटअप कर सकते हो इसको फुल्ली। अब तो दोस्तों बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।